हमजाद का अमल है, बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है। इस अमल हमजाद से आप दुनिया के हर काम ले सकते हैं, जैसे शादी में रुकावट हो या लड़की के वालदैन राज़ी ना हो या लड़के के वालदैन राज़ी ना हो, तो इस हमजाद के ज़रिए से राज़ी हो जाएंगे आप उनसे, यानी कि उनके दिल में मोहब्बत डलवा सकते हैं। कोई चीज़ गुम हो गई हो या घर से कोई भाग गया हो कि कोई नाराज़ है तो उसको वापस लाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, दुश्मनी है तो दावत या जुदाई करवानी है, इस तरह के काम आप ये ले सकते हैं। अब ये अमल हमारा ख़ुद का आजमाया हुआ नहीं है, लेकिन हमने इस अमल की ताकत के बारे में बहुत सुना है। ये अमल जो है बड़ा ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है, हमजाद की हाज़िरी का अमल। आपने अलग कमरे में तन्हाई में करना है, जहाँ कोई मौजूद ना हो, कमरा भी बिल्कुल खाली होना चाहिए, और नौचंदी जुमेरात से आपने ये अमल शुरू करना है। यानी नौचंदी जुमेरात को आपने ये अमल शुरू किया और 2100 मरतबा आपने इस अमल को पढ़ना है, 21 दिन तक आपने पढ़ना है। इसमें बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ बिल्कुल नहीं पढ़नी, परहेज जलाली व जमाली आपने रखना है। इस अमल में आपको ये बता दें कि डर व खौफ बेतहाशा आना है, क्योंकि जिन का हाज़िरी का या हमजाद की हाज़िरी का कोई भी अमल हो, उसमें खौफ या डरावनी चीज़ें या इस तरह की शक्लें या ऐसी चीज़ें आती हैं। आपके दिल मजबूत होना चाहिए, 21वें दिन आपको हमजाद की हाज़िरी हो जाएगी, जो बिल्कुल आपकी शक्ल का होगा, यानी कि बिल्कुल जैसे वो आपकी शक्ल सूरत जिस्म जसामत मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह का होगा। आपसे बात करेगा आपकी ही आवाज़ में और आपसे कलाम करेगा, आप उससे मायदा कर लें तो वो आपका इंशाल्लाह सारी उम्र आपके साथ रहेगा। जब आप उसको बुलाएंगे, वो आपको दुनिया का हर काम में मदद करेगा और फौरी काम करके आपके लिए लाएगा। अमल जो है वो आपके सामने भी आ रहा है, हम पढ़ के भी उसका तलफ़ुज भी बता देते हैं। या बदी ओ लाजा इबी बिल खैरी, या बदी ओ अजिब या तो इलू, या बदी ओ लाजा इब बिल खैरी, या बदी ओ अजिब या तो इलू, या बदी ओ लाजा इब बिल खैरी, या बदी ओ अजिब या तो इलू। ये आप पहले इस अमल के तलफ़ुज़ अच्छी तरह से अदायगी जो है वो बार बार प्रैक्टिस करके अपनी ज़ुबान पे चढ़ा लें, उसके बाद आपने इस अमल को करना है, ताकि कोई तलफ़ुज़ की गलती ना हो और अमल नाकाम ना हो, ज़ाया ना हो। इसी तरह आपने 21 दिन मुसलसल ये अमल करना है, बिला नागा अमल करना है, बखूर खुशबूदार आपने जलाने हैं, और इस अमल को तसव्वुर से आपने करना है, यकीन कामिल से करना है, और अलग कमरे में जहाँ कोई मौजूद ना हो। याद रहे वो कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए, ये चिल्ले की शरायत होती है, अमलियात की शरायत होती है, कवानीन होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम नहीं है तो पहले किताबें पढ़ के ये सारी चीज़ें मालूम कर लें। अगर किताबों से आपको मालूम नहीं होता तो आप हमसे रब्ता करें, हमारा तजर्बात जो मौजूद है अमलियात की दुनिया में, हम आपको सिखा देंगे मुकम्मल शरायत अमलियात की क्या होती हैं, तो उससे आप नाकामी नहीं होगी आपको, और आपको कामयाबी होगी। ये हमजाद का जो अमल है, इसमें आपको 100% कामयाबी होगी, क्योंकि ये बड़ी ताकतवर अमल है, इसमें बड़ी ही ताकत बताई गई है। ये जो अल्फाज आपको हमने पढ़ के बताए हैं अभी, जो अमल आपके सामने है, इसमें बड़ी ताकत है, तो इसलिए इसको बिल्कुल यूँ समझें कि आप 100% कामयाब हो जाना आपने। तो इसके लिए थोड़ी सी अगर आप ये अमल हमजाद की वाकई हाज़िरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई ताकत कोई पावर आपके साथ हो जिससे आप काम ले सके, तो उसके लिए अगर आप 1 माह या 2 माह या 3 माह पहले कुछ 4 माह अमलियात सीख लेंगे, शरायत सीख लेंगे, हमजाद क्या होता है उसके बारे में मालूमात ले लेंगे, हमजाद का चिल्ला कैसे किया जाता है, ये सारी अगर आप मालूमात पहले हासिल कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 4-5 माह अगर आप लगा लेते हैं तो उसके बाद आप ये देखें कि आपको ताकत कितनी बड़ी मिलनी है। उसके बाद आपको एक ऐसी ताकत मिलने वाली है कि जिससे आप किसी का दिल व दिमाग अपने लिए बदल सकते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए आपको अगर 4-5 माह अगर अमलियात सीखने के बाद आपने ये ताकत हासिल करनी है, तो थोड़ा सा अगर आप वक्त देंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो 4-5 माह आप सीखें पहले अमलियात, तावीज़ात की शरायत सीखें, हमजाद क्या होता है उसके बारे में मालूमात सीखें। अगर आपको नहीं समझ आती तो हमसे रब्ता करें, हम आपको मुकम्मल सिखा देंगे, ये अमल करवा भी देंगे, हमजाद की हाज़िरी भी करवा देंगे, क्योंकि हम ये चीज़ें कर चुके हुए हैं। हमें हाज़िरी या कोई भी चीज़ है वो हम ये पहले सारी चिल्ले ये हाज़िरियाँ ये सारा कुछ हम कर चुके हुए हैं, ये सीख चुके हुए हैं, हमारे पास इल्म है, हमने इसको सीखा हुआ है, हमने किया हुआ है तजर्बा। तो जो करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो ख़ुद अमल करना चाहता है, हमजाद की हाज़िरी चाहता है, वो एक बार हमसे रब्ता भी कर सकता है, नहीं तो पहले ख़ुद सीख ले, किताबों से समझ ले,
कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो भी पूछ सकता है और फिर उसके बाद हमज़ात की हाज़िरी का अमल करें। इस तरह किसी की भी यूट्यूब पर वीडियो देख के फौरी अमल करने बैठ जाएंगे तो नाकामी होगी और कामयाबी नहीं होगी, अभी तक आपको नाकामी हो ही रही होगी। किसी की भी वीडियो देख के या वैसे ही किताब से देख के डायरेक्ट आप अमल करना शुरू कर देंगे तो नाकाम हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि इसकी जो शराइत होती है चीज़ों की, जो करने का सही तरीका होता है, वो आप पहले मालूमात लें, उसके बाद आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी।